जगत प्रकाश नड्डा सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। उन्हें 3 वर्षों के लिए भाजपा का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने लंबे समय तक पार्टी की कमान संभाल रहे अमित शाह का स्थान लिया। नड्डा अभी तक भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद जेपी नड्डा अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने गए। अब हम जानते हैं कि जेपी नड्डा को आखिर खांटी बिहारी क्यों कहा जाता है, वे खांटी बिहारी के नाम से क्यों प्रसिद्ध है। मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले जेपी नड्डा के साथ एक बड़ी विशेषता ये है कि वे खांटी बिहारी भी है। दरअसल ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में 2 दिसंबर 1960 को हुआ था। पटना के ही सेंट जेवियर स्कूल और कुछ दिनों के लिए राम मोहन राय सेमिनरी में जेपी नड्डा की स्कूली शिक्षा हुई। उन्होंने सेंट जेवियर स्कूल से मैट्रिक पास करने के बाद पटना कॉलेज में इंटर में नामांकन करवाया। वह 1980 के दशक में यहीं से ग्रेजुएट हुए थे। इसके बाद वे 16 साल की उम्र में जेपी आंदोलन से जुड़ गए और इसी के साथ उनका सीधा वास्ता छात्र राजनीति में पड़ा। हाल ही के दिनों में वे पटना गए थे तो पटना विश्वविद्यालय परिसर भी गए थे। यहाँ उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए खुद को बिहारी बताया था। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के जेपी नड्डा के पिता एनएल नड्डा पटना विश्वविद्यालय में कॉमर्स विभाग में शिक्षक थे। यहाँ वे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और बाद में प्रिंसिपल भी हुए। उनके पिता 1980 के आसपास रिटायर हुए और उसके बाद हिमाचल चले गए। इसी कारण जेपी नड्डा भी हिमाचल चले गए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा है कि जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने से बिहार को फायदा होगा क्योंकि उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि बिहार रही है। वहीं बीजेपी सांसद रामकृष्ण यादव ने कहा है कि आज हमारा सीना चौड़ा हो गया क्योंकि आज एक बिहारी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है। इसी के साथ देश के कई भाजपा के बड़े बड़े नेता और मंत्री भी जेपी नड्डा को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाइयां दे रहे हैं।